आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की राह में चीन एक बार फिर रोड़ा बन गया है। पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए ब्रिटेन फ्रांस के साथ अमेरिका ने पठानकोट के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का रुख किया था, लेकिन एक बार फिर चीन ने रोड़ा अटकाते हुए इसका विरोध कर दिया। मसूद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के भारत के प्रयास को चीन द्वारा ब्लॉक किए जाने के महज कुछ सप्ताह बाद अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्ताव को चीन ने स्थगित कर दिया। इसके बाद भारत ने इस मुद्दे को चीन के समक्ष उठाया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन के साथ अमेरिका ने अजहर को प्रतिबंधित करने के लिए पिछले महीने के दूसरे पखवाड़े में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति के समक्ष प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका और भारत के बीच विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हमें इसकी जानकारी है, मामले को चीनी सरकार के समक्ष उठाया गया है। गौरतलब है कि चीन यूएन की तरफ से अजहर को बैन किए जाने की कोशिशों का लगातार विरोध करता रहा है। मसूद पर 2001 में यूएन ने बैन लगा दिया था। पठानकोट हमले के बाद भारत ने फरवरी में अजहर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं चीन ने दिसंबर में भारतीय प्रस्ताव को ब्लॉक करने से पहले दो बार इसे तकनीकी रूप से स्थगित कर दिया था।